नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। दोस्तों कल एक हमारे जो दिव्यांग साथी हैं खरखोदा से, उनकी गाड़ी में एक अजीबोगरीब समस्या उत्पन्न हुई। और एक बार तो मुझे भी ऐसा लगा कि गाड़ी में क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका कंट्रोलर चेक किया, उसका कंट्रोलर भी बिल्कुल ओके था, बैटरी भी ओके, चार्जर भी ओके, एक्सीलेटर भी ओके, लेकिन फिर भी जो गाड़ी का बैटरी बैकअप था वो 5 से 10 किलोमीटर कंटिन्यू चल रहा था। तो आज उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। काफ़ी सर्च करने के बाद पता लगा कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। हो सकता है वो दिक्कत आपकी गाड़ी में भी हो और आपको भी इस चीज़ का ज्ञान ना हो, तो आज इसी पे मैं वीडियो आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर जो आपने मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। दोस्तों उस भाई की गाड़ी में दिक्कत क्या थी, जैसे उसने कंट्रोलर पहले कंट्रोलर चेंज करवाया नया, इसके बाद भी फिर उन्होंने उसको चला के देखा तो उसका बैटरी बैकअप वही 5 से 10 किलोमीटर चलता रहा। इसके बाद उन्होंने बैटरी नहीं डलवाई, बैटरी नहीं डलने के बाद भी उनका बैटरी बैकअप बिल्कुल सेम चल रहा था। एक्सीलेटर नया करवाया तब भी उसका बैटरी बैकअप सेम ही रहा। इसके बाद उन्होंने चार्जर को देखा, चार्जर में जैसे उनने चार्जिंग लगाया, चार्जिंग बिल्कुल ओके काम कर रही थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी, जब चार्जर लगाते थे हम, वो जो चार्जर था वो चार्ज तो कर रहा था लेकिन उस चार्जिंग को वो स्टोर नहीं कर पा रहा था। हो सकता है आपके साथ भी ऐसी घटना हो जाए कि आपके चार्जर में कोई दिक्कत हो, चार्जर बिल्कुल ओके काम तो कर रहा है लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वो चार्जिंग को स्टोर नहीं कर पाता। चार्जिंग शो करेगा, चार्जिंग चल रही है, ये चीज़ें दिखाता रहेगा वो, लेकिन वो चार्जिंग को स्टोर नहीं कर पाता। तो जब 2-3 दिन तक ये चीज़ें चलती रही तब जाके पता लगा कि हाँ, तो वैसे ही दिमाग में आइडिया आया कि एक बार चार्जर को ही चेक क्यों ना करवाया जाए। तो चार्जर को जैसे ही हम लेके गए, उसकी जो बैकअप था उसको चेक करवाया, तो उसमें पता लगा कि चार्जिंग की जो पावर थी वो तो आ रही थी लेकिन वो उसको स्टोर नहीं कर पा रही थी। तो 2-3 दिन के बाद जब पता लगा हमें, तब जाके उसने अपना वो चार्जर चेंज किया। चार्जर चेंज करने के बाद उसकी जो बैटरी बैकअप था दोबारा वही 30 से 40 किलोमीटर कंटिन्यू चलने लगा। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो जाए। और एक और बात दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि अलिम्को आसरा की तरफ से पानीपत में जल्दी नए सेंटर की शुरुआत होने जा रही है, तो कल यानी कि रविवार को आप लोग पानीपत के गांव सिवा में अलिम्को आसरा पानीपत के नाम से नए सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। जो भी दिव्यांग साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पानीपत के नियर बाई हैं, तो वो कल 10 बजे अलिम्को आसरा पानीपत गांव सिवा में ज़रूर पहुँचे। आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9991293674। तो दोस्तों ज़रूर वहाँ पर आए, आप का अपना सेंटर है, ये पानीपत के लिए काफ़ी गौरव की बात है कि पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर अलिम्को आसरा का दूसरा सेंटर लगने जा रहा है। और वहाँ के जो दिव्यांग साथी हैं वो इस चीज़ का ज़रूर लाभ उठाएं। और जो दिव्यांग साथी पानीपत के अभी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है किसी कारण से, जिनको गाड़ी नहीं मिली है, वो वहाँ पर आके अपना फॉर्म भर सकता है। जल्दी उसको 1 महीने के अंदर अंदर गाड़ी दिला दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे फिर किसी नई वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।